दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान होता है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, पर ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई में गया होगा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित यही होता है कि वह खुद का स्वार्थ सोचे बिना जगत कल्याण के लिए कार्य करता रहे। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। हे अर्जुन, मेरी ये बात सदा याद रखना। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है।